ये मेरे पास 15 साल का पेशेंट आए थे, इनको बचपन में सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर हुई थी, यानी कोहनी से ऊपर की हड्डी टूटी थी। अब क्योंकि स्केलेटन मैच्योर हो गया है, इसकी हड्डी बड़ा हो गया है, नौजवान बच्चा है, अब इसकी डिफॉर्मिटी, और अगर आप गौर से देखेंगे तो उसका हाथ अंदर की तरफ है, इसको कहते हैं हम वायरस डिफॉर्मिटी। इस हाथ टेढ़ेपन होने की वजह से इसकी तकलीफ होना शुरू हो गई थी एल्बो जॉइंट में, इसकी हमने एक स्पेशल सर्जरी की है। पहले हमने एंगल मेजर किया कि इसको कितना क्रशिंग की ज़रूरत है, और इसकी ऑस्टियोटॉमी की, यानी जहाँ से हड्डी इसकी टेढ़ी थी वहाँ से हड्डी को काट के वेज को निकाला है, इसको वेज ऑस्टियोटॉमी कहते हैं। और अब आप देख रहे हैं इसकी हाथ की हड्डी अब सीधी हो गई है, और वक्त के साथ साथ वो जो फ्रैक्चर गैप जो आपको पहले नजर आ रहा था वो हल्के हल्के गायब होता चले गया, तो इसकी फुल्ली बोनी यूनियन हो गई। और ये ऑपरेशन के बाद अब आपको फंक्शन नजर आ रहा है, इसके एल्बो मोड़ रहा है और सीधा कर रहा है। इसका मेन थिंग है इसका पेन, ये पेन फ्री हो गया है और इसकी डिफॉर्मिटी भी कर रहा है।